श्राद्ध हिंदू धर्म की एक महत्वपूर्ण परंपरा है जो पितरों की आत्मा की शांति और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए की जाती है। श्राद्ध का मुख्य उद्देश्य अपने दिवंगत पूर्वजों की आत्मा को तृप्त करना और उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करना है। इसे विशेष रूप से पितृपक्ष में किया जाता है जो भाद्रपद महीने की पूर्णिमा से शुरू हो गया है और अमावस्या तक चलता है। इस दौरान लोग अपने पितरों को तर्पण, पिंडदान और भोजन अर्पित करते हैं। श्राद्ध कर्म से पितरों की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति में सहायता मिलती है और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। वहीं एक ऐसी स्थिति भी है जहां इंसान अपने पितरों के साथ अपना खुद का श्राद्ध भी कर सकता है। पितृपक्ष 15 दिन का एक पर्व निकाला गया है जिसमें सभी लोग अपने अपने पितरों को अर्पण करते हैं और जल आज देते हैं। तो ये 15 दिन ही ऐसे होते हैं एक साल के अंदर जिसमें लोग अपने पितरों का विधि विधान से भोग आदि तर्पण इत्यादि करते हैं। ब्राह्मणों को बुला करके इसमें दान पुण्य का बहुत बड़ा महत्व होता है। इसमें जितने भी पूर्वज हैं लोगों, हर किसी का कोई न कोई तो होते ही पीढ़ी दर पीढ़ी होते हैं ना, दादा बाबा और बाबा के बाबा ऐसे इस प्रकार से। तो ये पितृ देवता कहे गए और पितृ देवता अगर प्रसन्न है तो आपका आपके घर में कोई दुख कोई तकलीफ नहीं होगी। इसलिए इस पखवाड़े में इस 15 दिन में पितरों को विधि विधान से लोग पूजा अर्पण इत्यादि करते हैं। वैसे तो नहीं है, लेकिन अगर जिससे वंश समाप्त हुआ जा रहा है, अगर सपोज करो कोई एक इंसान एक व्यक्ति है, उसको अब उसके ना तो कोई बच्चा है, अपने बाप का वो अकेला है, कोई नहीं है, तो उसका दूसरा श्राद्ध नहीं कर सकता, रिश्तेदार श्राद्ध नहीं कर सकता, इसलिए खुद का अपनी जीवित अवस्था में भी कर सकता है। उत्तराखंड ऋषिकेश से ईशा बिरोरिया की रिपोर्ट।